गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में ये वाला मेकअप लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर सा आई मेकअप लुक क्रिएट हुआ है एंड बेस भी बहुत ही अच्छे से क्रिएट हुआ है। सारी प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है एंड डेफिनेटली ये वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। आप लोगों को इससे बिगिनर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी से स्टेप्स है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो सबसे पहले आपको अपने फेस को फेस वॉश के साथ अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं ले रही हूँ बायोटिक का ये मॉइस्चराइजर। अफोर्डेबल है एंड बजट फ्रेंडली भी है। इससे क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड होता है। ये लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। आप इसको अगर आपके ऑयली स्किन भी है तो भी आप इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। ये है ब्लू हेवन का प्राइमर, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड ये पोर्स को बहुत ही अच्छे से फिल करता है, स्मूथ बना देता है। अभी फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 128 एंड मीडियम कवरेज है, बट आप इसको बिल्ड कर सकते हो फुल कवरेज तक एंड आप इसको एवरी डे भी यूज कर सकते हो। बहुत ही लाइट वेट लगता है ये स्किन पे अप्लाई करने के बाद। अभी आपको डॉट डॉट करके अपने फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई करना है। अभी फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला फ्लैट एंगल फाउंडेशन ब्रश। फाउंडेशन को आपको टैप टैप करके अप्लाई करना है। इससे आपको कवरेज भी बहुत ही ज्यादा मिलता है। ओके, तो फाउंडेशन डन। अभी मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर। कंसीलर के लिए ले रही हूँ ब्लू हेवन का कंसीलर। कंसीलर को आपको सेक्शन में अप्लाई करना है एंड ब्लेंड करना है, वरना ये केकी लग जाता है, थोड़ी देर में ये सूख जाता है स्किन में। तो मैं सबसे पहले हाफ फेस पे ही अप्लाई करूंगी एंड ब्लेंड कर दूंगी। तो कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद अभी हम अप्लाई करेंगे कॉन्टोर। अभी कॉन्टोर के लिए मैं ले रही हूँ ये रॉन्जिल का 4-in-1 ये पैलेट, आईब्रो पैलेट है ये। मैं ये वाला ब्राउन कलर अप्लाई करूंगी एज अ कॉन्टोर। ऐसे ब्राउन वाला जो कलर होता है इससे आप कॉन्टोर कर सकते हो अपने आई शेडो पैलेट में से भी। तो मुझे एकदम सॉफ्ट कॉन्टोर ही चाहिए, तो इनफ। अभी जॉ लाइन पे हम कॉन्टोर कर लेंगे थोड़ा सा, फोरहेड पे थोड़ा सा। ओके, तो अभी आप देख सकते हो इस वाले साइड एंड इस वाले साइड को कितना स्लिम लग रहा है ये वाला। सेम ब्रश से ये वाला जो साइड होता है ना, इस साइड से मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने नोज को। अभी मैं सेम पैलेट में से ये दो कलर को मिक्स करके अपने आईब्रो को फिल कर लूंगी। सो अभी आईब्रो के बाद मैं अप्लाई करूंगी ब्लश। ब्लश के लिए मैं ले रही हूँ लॉरियल पेरिस का ये लिपस्टिक। इसमें मेरा शेड जो है वो है 128। ब्लश को ब्लेंड करने के लिए मैं ले रही हूँ के का ब्रश, जो राउंड शेप में होता है थोड़ा एंड छोटा सा होता है, स्मॉल होता है, जिससे कि आप अपने ब्लश को अच्छे से प्रिसाइसली ब्लेंड कर सको। ये ब्लेंड होने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा एकदम नेचुरल वाला लुक आता है इससे। ओके, तो इसके बाद आपको याद होगा कि हमने बेस को सेट नहीं किया है, तो सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ लैक्मी काफ माय फेवरेट लूज पाउडर एंड आपको टैप टैप करते हुए अप्लाई करना है प्रोडक्ट को। इससे क्या होगा कि वो अच्छे से सेट कर देगा आपके अंडर आई को। ओके, दो या तीन सेकंड के बाद आप डस्ट ऑफ कर दो अपने लूज पाउडर को। आप देख सकते हो पहले से काफी ज्यादा हाइलाइटेड लग रहा है हमारा जो अंडर आई एरिया है, माउथ के अराउंड बहुत ही खूबसूरत सा एकदम स्मूथ इफेक्ट भी आया है। ये लूज पाउडर जो है ना स्मूथ भी करता है बेस को। इसको अप्लाई कर रही हूँ जो ब्लू हेवन का कंसीलर मैंने लिया था पहले एंड इसमें मेरा शेड जो है वो है 101 वनीला। अच्छे से ब्लेंड कर देंगे एंड इस कंसीलर को आप जितनी जल्दी ब्लेंड कर दोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अभी मैं कंसीलर को सेट नहीं करूंगी, डायरेक्टली अप्लाई करूंगी आई शेडो। इससे क्या होगा, जो आपका आई शेडो है वो एकदम पॉपअप होके आता है आईज पे। आई शेडो पैलेट के लिए ले रही हूँ ये वाला हिलारी रोडा का आई शेडो पैलेट। शेड है इसमें 02 एंड इसमें से मैं लूंगी सबसे पहले ये डार्क वाला पिंक कलर। इसे यूज करूंगी मैं एक फ्लैट फ्लफी ब्रश के साथ, ये मॉर्फी का ब्रश है। इसको मैं अप्लाई करूंगी ठीक अपने क्रीज पे। कलर आपको थोड़ा थोड़ा कलर लेना है एंड ब्लेंड करना है एंड धीरे धीरे बिल्ड करना है कलर को, वरना ये ब्लेंड होने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि आपने क्रीज को जो है वो सेट नहीं किया हुआ है। इस तरीके से धीरे धीरे आपको बिल्ड करना है कलर को एंड ये जो हार्श आप देख रहे हो अपने क्रीज पे के ऊपर, इसको हम कैसे सेट करेंगे ये भी आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा दूसरा क्लीन ब्रश एंड इसे मैं सिर्फ, कोई भी कलर आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको ब्लेंड करना है अपने क्रीज पे। आप देख सकते हो कितना अच्छा प्यारा सा एकदम ब्लेंडेबल लग रहा है हमारा आई शेडो। ये मैं ले रही हूँ ये वाला हिलारी रोडा का दूसरा पैलेट। इसमें से मैं अप्लाई करूंगी ये वाला एकदम हल्का पिंक कलर का शिमर।
तो इसको हम अप्लाई कर देंगे हमारे आईलिड पे एंड इसको आपको क्रीज तक अप्लाई करना है एंड सेम तरीके से अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है एंड ब्लेंड करते हुए इसको बिल्ड करना है। हाँ, 01 पैलेट में से ये वाला मरून कलर इसको आपको अप्लाई करना है ठीक आपके आउटर कॉर्नर में, कुछ इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है एंड इसको ब्लेंड करते हुए क्रीज के हाफ क्रीज तक लेके जाना है। सिर्फ आउटर कॉर्नर में ही आपको इसको ब्लेंड करना है एंड इसके बाद आपको फिर से ये फ्लफी ब्रश लेना है एंड कोई भी कलर नहीं लेना ब्रश में, सिर्फ इसको ब्लेंड कर देना है। अभी मैं इनर कॉर्नर में हाईलाइट करने के लिए सेम पैलेट यूज करूंगी एंड इसमें से मैं लूंगी ये वाला शैंपेन कलर एंड इससे मैं अपने इनर कॉर्नर एंड ब्रोबोन को हाईलाइट करूंगी एंड सेम कलर को मैं अपने फेस पे हाइलाइटर भी यूज करूंगी इस शैंपेन कलर को। यह है फ्लैट फ्लफी ब्रश, थोड़ा बिग है ये, इससे अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई होता है। लुक एट दिस, बहुत ही। अभी लाइनर के लिए मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का ये पेन लाइनर, इससे एक विंग सा ड्रॉ करूंगी मैं। ओके, अभी लोअर लैश के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला छोटा सा पेंसिल ब्रश, 01 शेड का आई शेडो पैलेट है एंड इसमें से मैं ले रही हूँ ये वाला ब्राउन कलर। आपको इसे एकदम लैश लाइन के नजदीक नजदीक अप्लाई करना है ब्लेंड करते हुए। ओके, कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे एंड सेम इस साइड पे भी कर लेती हूँ। अभी मैं ले रही हूँ ग्लैम 21 का ये व्हाइट काजल एंड इसको मैं अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी। इस लेस लाइन पे मैंने ये वाला ग्रीन शिमरी कलर अप्लाई किया है। अभी मैं लिपस्टिक के लिए अप्लाई कर रही हूँ इनसाइड का ये लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड है 03। लैश के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ रेड चेरी का ये शेड नंबर 05 का लैश, ये मैंने ऑफलाइन एक स्टोर से बाय किया था तो आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हो, अगर आपको मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हो। ओके, सो लेंस मैंने अप्लाई कर लिया है, ये एक्वा लेंस का ग्रे है, स्पाइसी ग्रे इसका शेड है। आप चाहो तो लेंस अप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसे भी ये लुक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ओके, सो आप चाहो तो इस लुक को इस न्यूड कलर के साथ भी वेयर कर सकते हो। लॉरियल पेरिस का 128 शेड का लिप्स, आपको डे टाइम में चाहिए तो आप ये वाला न्यूड कलर यूज कर सकते हो। किस लिपस्टिक के साथ आपको ये वाला लुक पसंद आया है, आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करना, तो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।